फुल्ली जुगाड़ू होते हैं। अभी आपको बड़े होने में टाइम है, गोरों को बुला रहे होंगे। और अगर फैमिली नहीं होती तो फ्रेंड्स बनाते हैं। एकदम चंगा चंगा कर दिया है जबरदस्त। Up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight. भैया काम ये चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना वीलॉग्स। काम ये चल रहा है कि जो हम लोग ये लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, मीडियम ड्यूटी टारपोलिन। तो ये लेकर आए थे हम लोग। अब ये इसको जो है ना अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया। मतलब रूफ की चारपाई, चारपाई जो भी है, चारपाई मतलब मटेरियल है। हां यार मैं छज्जा है, छज्जा है ना ये चारपाई, इसको कहते हैं जो मतलब तखत और पता होता है। इसका जो मटेरियल है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, ये देखो सेम मटेरियल। एनीवे आप नहीं समझोगे, मैं नहीं समझूंगा। अभी आपको बड़े होने में टाइम है भैया। ये है वाटरप्रूफ टारपोलिन, अब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। ये सारी की सारी ऊपर बिछेगी, यहाँ से लेके वहां तक। हमने इसका पहले ही नाप ले लिया था पिछली वीडियो में, तो अब हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं ताकि हमें सेफ्टी मिल सके। बारबेक्यू हम करेंगे, बारिश कल बहुत ज्यादा है तो अच्छा काम हो जाएगा। वैसे भी ये ड्यू था बहुत अरसे से, लेकिन अब होना नसीब में था तो अभी हो रहा है। देखो और देखते हैं इससे मतलब कुछ होता है कि नहीं होता, नहीं तो फिर बंडा ना हो जाएगा। हाँ देखो अल्लाह मालिक है। उसके अंदर मैंने जो लड़कियों का मेकअप बॉक्स होता है, हाँ। या ज्वेलरी बॉक्स टाइप की, उसके अंदर कीलें वगैरह जमा की हुई है। तो प्लान ये है कि क्लीन हम निकालेंगे पहले, कीलें निकाल के और फिर इसको कील से यहाँ से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रोप से लग नहीं सकता। हाँ, तो ऊपर पे ये क्लीन, हाँ पे कीलों से लग सकते हैं। तो कील देखते हैं। अच्छा हथौड़ी है हमारे पास? हथौड़ी तो नहीं है, हथौड़ी नहीं है, बट वो है ना कोई भारी चीज होगी तो वो लगा देंगे। हम आई थिंक इससे हो जाएगा। Allah Malik. Quitter, toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest. Yeah, 100% बारिश दिखा रहे हैं यान, तो होगी लाजमी। और देखो रात तक भी होगी, टाइट बारिश है बहुत। काम तो हो गया 36। अच्छा जबरदस्त काम है, बेस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लाओ देना, तरपाल देना। ये लो ये लो भैया, पको तरपाल। बच्चों चलो फिर लगाने की तैयारी, पहला सिरा लग गया। अच्छा वो टाइम पे सीढ़ियाँ भी लिया है, सीढ़ी से काम अच्छा हो जाता है, नहीं तो वो चेयर बहुत छोटी होती। चेयर का काम नहीं था, चेयर का काम नहीं था इतना। सीढ़ी सीढ़ी जो है वो मेरे एक कजन की थी। अच्छा वो तो पता नहीं कहाँ है अब। हमारे पास ये सीढ़ी उनकी यादों की छोटी सी एक निशानी है। देखो बाहर क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं इसके साथ मिलके के काम कर रहे हैं। Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's back. तो भैया बात ये है कि जो है वो मैंने लगा तो दिया है, मगर उसको पक्का करने के लिए, मतलब क्योंकि वो हवा से बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहा है, तो उसको पक्का करने के लिए मैं मतलब स्क्रू लगाऊंगा। और कोशिश करो कि मतलब स्क्रू का इस्तेमाल किया करो, ये जो ये वाले होते हैं स्क्रू, इसमें आसानी ये होती है कि मतलब एक दफा इसको ठोका आपने, उसके बाद फिर आपने आराम से जो है वो टाइट कर देते हो स्क्रू ड्राइवर से, जो कि बहुत ही आसान होता है। इस तरह का स्क्रू ड्राइवर होगा, मतलब देखो तो ये आसान होगा, ये घूमने वाला। बड़ी मुश्किल जॉब है भाई, वाकई में कारपेंटर हो तुम्हारी सलूट है भाई, मगर हम भी भाई किसी से कम नहीं है। पाकिस्तानी जो होते हैं ना, याद रखना, हरफन मौला होते हैं, मतलब फुल्ली जुगाड़ू होते हैं, और उनको किसी दुनिया में मतलब कोई जरूरत नहीं होती कि इसको बुला लें उसको बुला लें, अगर वो खुद काम करना जानते हैं तो, हमारी तरह। और ये बात नहीं है कि ये काम हमने यहाँ पे आगे करना शुरू किया है भाई, हम लोग पाकिस्तान से ही जुगाड़ू थे, मतलब पाकिस्तान में भी हम लोग अपने काम खुद किया करते थे। अब जो मैं रस्सी लेकर आया था उसका वैसे कोई सच काम तो है नहीं, बट ये काम फिर भी कर लेता हूँ कि जो मैंने स्क्रू लगाए, मतलब वो जो उसके जो होल हैं वो काफी मतलब बड़े हैं, स्क्रू छोटे हैं, तो मतलब उसके अंदर से ये हो सकता है कि हवा से वो निकल भी सकता है। तो अब मैं ये करूंगा कि मैं इस रस्सी को काटूंगा, अब जो लेकर आया हूँ ऑब्वियसली यूज तो करना है, इस रस्सी को काटूंगा, कट गई ना। अब मैं ये करूंगा कि मैं जो स्क्रू है उसके ऊपर रस्सी इस तरह करके बांध दूंगा। अब जब ये रस्सी इस तरह करके बन जाएगी तो वो चीज मोटा हो जाएगा, मतलब मोटे से मुराद के मैं उसकी स्क्रू की बात कर रहा हूँ। तो जब ये चीज हो जाएगी तो फिर वो जितनी भी हवा आ जाए इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नहीं निकलेगी। बेटा सीखो अपने अब्बा से जुगाड़े, ये मतलब हम चले भी गए तो कल को तुम्हारे काम आएगी, नहीं तो बिल्कुल ही आड़ू बन के घूम रहे होगे, गोरों को बुला रहे होगे, ये कर लो आगे वो कर लो, यूं कर लो वो कर लो, हर चीज के डॉलर खर्च कर रहे होगे। ये चीज जो है वो आपको जिंदगी में सिर्फ जो है वो अपने अब्बा से ही, अपने भाइयों से ही सीखने को मिलती है, और हमने अभी अपने अब्बा से बहुत कुछ सीखा है और हमारे भाई ने हमारे से बहुत कुछ सीखा। मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो है वो रस्सी इसके ऊपर आ जाएगी तो आराम से जो है वो फिट हो जाएगा और फिर बार बार हवा से नहीं निकलेगा। मैं बाकी ये सारे काम जितने भी 5-6 सुराख है उसको बंद करने के लिए लगाऊंगा। New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी को मतलब ध्यान में रखते हुए आपने जो भी काम करना है आप करना। अगर आपको समझ में ना आता हो कोई काम मतलब तो खुद से मत करना, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो
हमने खुद से ये लगा लिया, मतलब हमने नहीं, मैंने लगाया, मगर सॉरी हमने लगाया, अयान ने मेरी हेल्प कराई है, अयान ने मेरी हेल्प कराई है। ये अयान है, ये अयान है, इसका नाम अयान है। अयान सलाम अलैकुम बोल दो। अस्सलाम अलैकुम वालेकुम। गुड। तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो हमारे जितने भी रिश्तेदार इसको ईद मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, हमारा दिल बड़ा है मगर घर छोटा है, कोई बात नहीं, मगर घर छोटे होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए आपका। तो आपके भी अगर रिश्तेदार हैं, आपका घर छोटा है और आप ये समझते हो कि यार इनको बुला के क्या करना है, मतलब कहाँ बिठाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मत सोचा करो, दिल बड़ा रखो, लोगों से मिलो ईद के ऊपर, खुशियां फैलाओ, गम को खत्म कर दो, खुशियों को मतलब बांटो, इंजॉय करो, खाओ पियो। बकरीद जो होती है उसमें जो है वो बंदा इंजॉय करता है, बारबेक्यू करता है, उसके बगैर तो मतलब हमारी ईद जो होती है वो अधूरी होती है। पाकिस्तान में तो हम लोग यही किया करते थे, अब यहाँ पे भी हम इस रिवायत को, डजंट मैटर कि हम पाकिस्तान में रहे ना रहे, मगर इस रिवायत को जिंदा रखना हमारा अपना काम होता है। कशर ने बहुत अच्छी बात कही और यही एक रिमाइंडर है कि अगर हम बाहर के मुल्क में रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम, पहली बात तो ये कि अपनी ट्रेडिशंस भूल जाए, तो हम दो एक्सट्रीम नहीं हो सकते कि बिल्कुल ही भूल जाए, हमें न्यूट्रल होकर रहना पड़ता है और हम लोग अपनी ट्रेडिशंस को हमेशा याद इसलिए रखते हैं, इसलिए हम लोग ईद अच्छे से मनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिलाते हैं, और अगर फैमिली नहीं होती तो फ्रेंड्स बनाते हैं। और ये वाली ईद तो सब खाने पीने की होती है, वैसे तो हर ईद ही खाने पीने की होती है, मगर ये वाली खास होती है मीठी ईद, तो इंशाल्लाह कल फिर बारबेक्यू भी बताएगा। और एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो मेरा छोटा वाला बेटा बिल्कुल मेरे ऊपर गेम, मतलब मेहनती बच्चा है और जो है वो सफाई वफाई के मामले में A1 एक नंबर, किसे भी गुड बॉय है भाई। अच्छा आपके ऊपर गया है? मेरे ऊपर गया मेहनत अच्छा, करने में। अच्छा, और जो मेरी मेहनत है वो है, मैं भी तो इनको जो है वो देख के मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ। लेकिन वाकई यार सही है ना, ये जेंट्स वगैरह भी मिलके काम करवाते हैं, कितनी हेल्प हो जाती है, सही बता रही हूँ ना लड़कियाँ, सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? तो फटाफट लड़कियाँ कमेंट में बताएं, मतलब उनके जेंट्स, मतलब उनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड मतलब एक ही होता है ऑब्वियसली, तो वो जो उनका हस्बैंड है, जेंट हस्बैंड होता है, जेंट हस्बैंड, हस्बैंड मर्द, मर्द मतलब वो समझ जो पीके में कहा था, संजय पीके में कहा था ना, मतलब मेल मर्द रूफ लगने से ये एक अच्छी बात हो गई है कि थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया, थोड़ा सा बेहतर हो गया, बहुत ज्यादा रोशनी आ रही थी वो भी ठीक था, बट अब ये भी अच्छा लग रहा है चेंज। अब देखो बादल आने शुरू हो गए हैं, बारिश का मौसम होने वाला लगता है। वाओ, साफ कर दिया, एकदम चंगा चंगा कर दिया, जबरदस्त। Moments later. हाँ जी, क्या चल रहा है? चल ये रहा, चिकन की धुलाई हो रही है, चिकन नहा रही है, बाकी हो रही है। So, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लोग मतलब जिनको मीट से एलर्जी होती है या वेजिटेरियन होते हैं, वो इस वीडियो को यहीं तक देख लें, इतना ही काफी, क्योंकि उसके अलावा उनके मतलब मर्जी का कॉन्टेंट है नहीं। बाकी की वीडियो मतलब नॉन वेजिटेरियन के लिए सुटेबल है। हमारे यहाँ बारबेक्यू की पूरी तैयारी मर्दी करते हैं, अगर आप लोग हमारे पिछले ब्लॉग, हमारे घर भी सब मर्दी साफ कर दे। नहीं नहीं, घर तो खैर मैं भी साफ कर लेती हूँ, साफ पीती हूँ, लेकिन पिछले ईदों के अगर आपने ब्लॉग देखे होंगे तो फिर हम लोगों ने हमेशा जो भी तैयारी की बारबेक्यू की, ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद सारे एक्स्ट्रा काम तो मैं ही करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करो। और लास्ट टाइम मैंने जो है वो सारा सलाद भी बनाया, रायता भी बनाया, पुलाव भी बनाया है ना भाई, औरतें ये साइड वाले काम करती है ना सारे बारबेक्यू के, पे सारी की सारी क्रेडिट मर ले जाते हैं कि हमने बारबेक्यू बनाया था भाई। खाना आप ऐसा बनाओ कि सामने वाले को खाने का मतलब मजा आ जाए, दिल से जो बनाते हैं ना लोग खाना, वो मुझे मतलब खाने में मजा आता है, खाने का टेस्ट जैसा भी हो मगर जो दिल से बना होता है ना, मतलब उसका जायका ही अलग होता है। लेकिन दिल से बने हुए खाने का ही जो टेस्ट अच्छा होता है, हाँ। पता कैसे लगा कि आपका दिल से बना हुआ है भाई? ये बात भी सही है, जैसे अकरमंदी की बात की है, जैसे कि सना वैसे अच्छा बनाती है, मगर जो मेरी खालाएं हैं मतलब अम्मी जैसे बनाया करती थी, एक अलग ही वो उनका वो था, वो तो खैर अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मगर मैं जब गया तो मतलब पाकिस्तान में मेरी खालाएं जो है वो बड़े दिल से खाने बनाती थी। हाँ माशाल्लाह, बहुत ज्यादा तो अच्छी बात है। दुलाना खाला, नजमा खाला, सब लोग देख रहे हो अगर व्लॉग तो पाकिस्तान वाली, उसको बड़ा हम लोग मिस करते हैं ऑब्वियसली, इसी को हम लोग कुछ वो करने के लिए मतलब अपने कल्चर में रहने के लिए, और कुछ लोगों को फिर जो है वो साथ में अपने रख लेते हैं और बुला लेते हैं, दावत वगैरह कुछ कर देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ऑस्ट्रेलिया में हमारी फैमिली तो है यहाँ पे, और दोस्त भी है माशाल्लाह, सबके साथ हो जाती है ईद, अल्हम्दुलिल्लाह बन जाते हैं फ्रेंड्स, किसी भी मुल्क में आके आपको फ्रेंड्स फैमिली सब मिल जाती हैं, और उसके साथ फिर टाइम के साथ साथ जो है वो आप उनके साथ अच्छे पक्के फ्रेंडशिप और फिर उसके बाद रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। क्या बात की है।
एडवाइस दे रही हूँ ना, जो जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, मतलब यूके जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बर्तानिया जा रहे हैं, यूके तो बर्तानिया ही है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, मसाला लगाना है। मसाला बनाओ। शान अगर वाले देख रहे हो तो भाई देख लो, ये देख लो शान, देख लो तुम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी स्पॉन्सर भी कर दिया करो, हमने दो चार नहीं तीन दफा तो हम लोग कर चुके हैं। हाँ। बारबेक्यू कभी स्पॉन्सर नहीं किया, कभी स्पॉन्सर नहीं किया शान ने। हाँ, अगर तुम में से कोई शान वाला देख रहा हो ऑस्ट्रेलिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भाई शर्म करो और कर दिया करो।